जिंदा जाग। अच्छा, ये उनकी सी गिरते हैं, क्या नाम है, मलिक शेर अफगन। रुक जा, मैं थल्ले मैं सीधे उतरा ही 93 शाह जी, मैं सीधे थल्ले माती। यार मैं कितना पहुंचे, स्टार्ट हो गया है, जरूरी है ना। दो ढाई घंटे के बाद पहुंच गए, माड़ा छिड़किया मैं पांच बहने नहीं, उन्हें कहा बुरा वापस मार दिया, पर मैं नहीं यार तेरे शुगर ला तेरे कर। फाइट बड़ी अच्छी मेरा आने का की बने साहब के मैं हाल रिकॉर्डिंग नंबर बंद है, कमेटी जी आई कमेटी से आई मैं क्या आज अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली हाइपलिंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। जैसे कि आपको आज शौक करवा रहे हैं रब्बा में, तो इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर के एक इंतहाई अहम शख्सियत, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड उस्ताद। एक दफ़ा उनसे मुलाकात के साथ शेयर किया था और आज वो जो है इस वक्त मौजूद हैं एक उड़ने वाली छत पे, प्रॉपर यहाँ पर कबूतर उड़ा रहे हैं, सीज़न उड़ा रहे हैं, तो वैसे ही वो इल्म का एक ख़जाना है और इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। और आज तो आपको बड़ी चीज़ें पूछने को मिलेंगी, लेकिन वास्ता सवाल शुरू ना करना क्योंकि काम पड़ जाना लंबा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान के एक जाना पहचाना नाम, जनाब उस्ताद अकरम अक्की साहब, और हम मौजूद हैं उस्ताद अकरम अक्की छत वहाब शाह रब्बा यहाँ पर। और ये छत जो है पंजाब टू के टूर्नामेंट्स में भी है और रब्बा के भी तमाम टूर्नामेंट्स में उड़ रही है, ज़िला के भी टूर्नामेंट में मौजूद है। बड़ी अच्छी फाइट चल रही है इस छत की, तो हम बात करेंगे उस्ताद अकरम अक्की साहब से। सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं और बताता चलूँ सवाल से पहले, कि 3 से 4 साल के बाद दोबारा ये छत जो है आज ज़िंदा हुई है, और ये समझें कि इस वक्त ये एक नई छत है, ऐसे ही समझ सकते हैं। तो 3रा साल ही लग गया भाई, तो ये नई छत के तौर पे दोबारा से आई और इतनी अच्छी फाइट एकदम से दोबारा शुरू हुई है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यार पंखे की आवाज़ आएगी, थोड़ी देर सब्र ना कर ले पंखा बंद करके। तो कैसे हैं आप और कैसा लगा आज इस दफ़ा का जेठ? जेठ तो जी ऐसे ही है कि कभी कभार यानी कि ऐसा भी हो जाता है कि जेठ यानी कि हो जाता है यानी कि असुनमा हो जाता है, लेकिन जो जेठ है ना शशा जी, ये बड़ों ने जिन्होंने ये दिन किया था ना 28 मई यानी कि 28 मई से लेकर यानी कि जितने दिन भी ये आगे चलेगा ना जेठ, इसका हर दिन जो होगा वो यानी कि डिफरेंट होगा। सही, हाँ जी, ये नहीं है कि आज 44 है, कल ये 45 पड़े, कभी ये 32, कभी ये 38, कभी 45, ये चेंज होता जाएगा। खिलाड़ी का ऊंच नीच इसी में चलता है, पता कि वो खिलाड़ी किस लेवल का है और किस लेवल के किस कैलिबर का। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, तो अभी आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो पिछली 3-4 फिरतें गुजरी हैं जी, जी, तो ये आपको कोई बेनिफिट इससे हुआ है या आप समझते हैं कि कुछ नुकसान हुआ? इंजॉय कर रहे हैं हम तो, हमने तो ये जो मौसम है, गेम वाइज पूछ रहा हूँ मैं, गेम वाइज के लिहाज का मेरी 56 साल यानी कि मेरी है यानी कि उम्र, हमने तो ये यानी कि मैंने तकरीबन 45 साल यानी कि जेठ खेला है अपनी यानी कि लाला लाइफ में, तो ऐसे अदवार बेशुमार देखे, ये जो न्यू कमर है उनके लिए प्रॉब्लम होगी, हम तो यानी कि हर दिन को यानी कि इंजॉय कर रहे हैं। से इस दफ़ा लाहौर के जेठ की भी खबरें आपके? हाँ जी, वहाँ पास होंगी, जो मौसम हमारे लाहौर में पड़ता है ना वो नहीं यानी कि पड़ा, शौकीनों के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि ये बारिश हुई है, प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वो जो जेठ से पहले 2-4 फिरतें थी ना वो 45 गई हैं, 44-45 गई हैं, और एकदम 32-38-36 पे चला गया जेठ, तो वो तो जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो उनके पास अच्छे कबूतर हैं उनके लिए ये बनी यानी प्रॉब्लम बनी। वहाब शाह साहब से कम से कम कितने अरसे का ताल्लुक है? ये मेरा इनसे 2000 यानी कि 6 का, 2006 से मुराद है कि 14-15 साल साल हो गए। हाँ जी, तो ये जो 14-15 साल का ताल्लुक है इसमें आपने यहाँ पे कबूतर पहले भी बनाए थे? हाँ जी, ये और रबुआ शहर और ये चन्योड़, ये इस बात का यानी कि गवाह है,
कि इस एरिए में कबूतर मुतारिफ करवाने वाला उस्ताद अकरम यानी के है, यानी के सही। हाँ जी उस्ताद जी, कबूतर कौन से रखे हैं सदा से आपने? जी मैंने अमामदीन और यानी के टेटा टैडी, मैं दो ब्रीडों को पसंद करता हूँ, अमामदीन और टैडी। हाँ जी, तीसरा कबूतर मैं पसंद करता हूँ। अच्छा, इमामदीन और टेडी जो है, आप समझते हैं कि ये परफेक्ट कबूतरबाजी है सारी जिंदगी के लिए। आपने कान ऐसे पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना, ये दूर जाने की वजह। अगर आपने जेट का कंपटीशन खेलना, कोई भी कंपटीशन खेलना ना, उसमें ये दो कबूतर सरदार हैं। सर जी, ब्रीड के हवाले से ये सरदार हैं कि बाकी जिसामत वगैरह जो आपको आइडियल चाहिए होती है सब कुछ? सरदार होता है वो पग पहन ले तब भी सरदार है, ना पग पहन ले तब भी सरदार है। ये कबूतर खुडों में हो, आसमान में हो, ये सरदार ही हैं, इमामदीन और टेडी। इमामदीन और टेडी। और लोगों की जो कयास रही हैं टेडी कबूतरों के बारे में, जी जी, कि जी टेडी कबूतर ऐसा कबूतर है जो बस ठंडे मौसम में उड़ रहा है। हाँ जी। जेठ में इसका जो तपता जेठ है उसमें कोई इसका काम नहीं है। ऐसे है कि जिसने बी सी डी क्लास यानी कि देखी है, क्योंकि टैडी सारे तो एक जैसे नहीं है ना। हाँ, हजारों किस्म के होंगे। जैसी जैसी आपको अल्लाह ताला ने अवेयरनेस दी है, जैसी आपको आंख दी है, जैसे आपने कबूतर देखे हैं या जैसे आपके पास हैं, आपने उसी हवाले से करनी ना बात। चिड़ी के लिए ना टूठा यानी कि दरिया होता है, तो इलम जो है ना, इलम वो समंदर है। सही, ठीक है ना। जो अच्छा कबूतर है उनकी तादाद दुनिया में, अच्छे इंसान की तादाद दुनिया में कम है। सही। अभी एक चीज और कि जी, लाहौर के कबूतर परवर हजाज हैं, हाँ जी, वो कहीं और क्यों नहीं निकलते, क्यों शौक नहीं करते, क्यों उनसे शौक नहीं होता? निकलते हैं क्यों नहीं, यानी कि निकले उस्ताद अकरम अकी या आपके सामने, यानी कि है मिसाल में 2000 से पूरे यानी कि पंजाब में मैंने विजिट किया। सही। कोई शहर ऐसा नहीं है जिनके पास मैं नहीं गया, जहाँ पे मैंने कबूतर नहीं उड़ाए या जहाँ पे मेरे कबूतर नहीं यानी कि उड़े। पहली दफा कहाँ पर आपने लाहौर से निकल के शौक किया? कड़ियां वाला, ये गुजरात, कड़ियां वाला गुजरात। कड़ियां वाला। अच्छा, वहाँ किस छत पर गए थे? वो यानी कि खालिद बाबट है, खालिद बाट साहब अमेरिका वाला, वो मेरे यानी के भाई हैं, छोटे हैं। उन पहली दफा मैं उन गया उनके पास, वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ बाहर के टूर्स वगैरह हर जगह। हाँ जी। और अब माशाल्लाह इस साल आप यहाँ पर। वहाब शाह से मेरा कबूतरबाजी का भी तल्लुक है, लेकिन ये मेरा शागिर्द भी है, मैंने उस्ताद बना, लेकिन मेरा ये बेटा है। सही। हाँ जी, इसके साथ जो मेरा तल्लुक है ना, क्योंकि जिस उम्र के हिस्से में बैठा हूँ मैं, यानी कि हूँ यानी कि फैमिली वाला, ये वहाब शाह की मोहब्बत है कि मैं यहाँ पे यानी कि बैठा हूँ। बिल्कुल सही। हाँ जी सर जी, ये जो चेंज आता है कि आज अटक, कल कड़ियाँ वाला, फिर मोरी शरीफ, फिर मेहमद चक, मेहमद चक मोरी शरीफ तो चलें कह लें एक ही जगह। हाँ जी। तो लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, अटक, ये मुख्तलिफ शहर। हाँ जी। मुख्तलिफ सरफेस। हाँ जी। मुख्तलिफ वेदर। हाँ जी। मुख्तलिफ एटमोसफेयर, मुख्तलिफ लोग, मैनेज किस तरह करते हैं? मैं मैनेज इसी तरह करता हूँ कि आप के जी से यानी कि स्टार्ट हों, महल्ले में आपने की पाबंदी से, उसके बाद आप अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल में चले गए, कॉलेज चले गए, यूनिवर्सिटी, वो आपको माइग्रेशन करनी पड़ती है। कबूतरबाजी भी ऐसी चीज़ है, जब आप अपने घर से बाहर निकल के कबूतरबाजी नहीं करेंगे, आप में पुख्तगी नहीं जानी चाहिए। सही। हाँ जी, क्योंकि बाहर वाले जो लोग होते हैं ना, वो आपका खाना पीना भी यानी कि देख रहे होते हैं कि आज उस आदमी चाय कितनी पी है, खाना यानी कि कैसा खाया। वहाँ पे आपको बड़ी यानी कि केयरलेस हो के कबूतरबाजी भी करनी है। और आपने मतलब सर आग क्लियर रही है वीडियो? वीडियो क्लियर चल रही है जी, मैं देख। अच्छा, जो कबूतरबाजी है वो भी आपने करनी है, और अपनी जो लाइफ है, जो अपनी यानी कि शख्सियत है, उसको भी आपने जिंदा रखना है। सही हो गया। ताकि जब वहाँ से आप जाएँ तो लोग आप पे उंगली ना यानी कि धरने के, ये ऐसा साथ है, ऐसा साथ था, मोहब्बत प्यार और लोगों को दर्श भी दें। बिल्कुल सही। खाली ये बात नहीं, यहाँ पे आप बैठे हैं उसी के पास ही, जो बंदा भी आपके पास बैठे आप उसको अवेयरनेस दें, शो के बारे में, वो बैठा आपके पास शो के लिए बैठा है। अच्छा, और दूसरी चीज़ की यही सेम सवाल कबूतरों के हवाले से, कि मुख्तलिफ जगह, मुख्तलिफ वेदर, मुख्तलिफ एटमोसफेयर, हर चीज़ चेंज हो गई, लेकिन आपके पास टैडी इमामदीन है। जी जी। आप कहते हैं लाहौर में भी वही है तो अटक में भी वही है। हाँ जी। तो ये क्या उनको भी फिर ट्रेंड मुख्तलिफ तरीकों से करना पड़ता है, कि या आप समझते हैं कि जो मर्जी हो जाए इन्होंने ही उड़ना? उड़ना है, लेकिन जी वो जो बंदा नीचे दाना पानी यानी कि कर रहा है ना, जो कबूतरों का केयरलेस बंदा जो नीचे महावत है, उसको अपने कबूतरों की देखभाल के लिए उनको मौसम, उनकी तबीयत, उसका जो है ना यानी कि जिस्म, एक कबूतर बड़ा पावरफुल हो गया, आपको पता है कल ये 32 पड़ेगी, वो उड़ाने वाले पे यानी कि है मनसर कि उसने उसको 6 बजे यानी कि कैसे यानी कि बटाना है। सही। हाँ जी, ये चीज़ें उस्तादी।
इस चीज़ को यानी कि कहते हैं उस्ताद जी कि मौसम चाहे जैसा भी हो आप कबूतर को उसी हवाले से तैयार करें कि वो शाम तक वो फैल ले। जी ये सॉरी उस्ताद जी दोबारा आते हैं क्योंकि कबूतर भी आपका ही आ रहा है। तो ये कौन से नंबर का कबूतर है जी? नहीं नहीं इस वक्त गिनती में आठवां कबूतर है जी ये छत वहाब शाह उस्ताद अकरम मक्की साहब का। मेरे ख्याल एक गेड़ा और मारेगा निकला उधर है ना नहीं बैठा ये बैठा माशा 5:30-50 पे जी ये आठवां कबूतर बैठा है। तीन सामने आ गए तो अगर ये उस्ताद जी आज बैठ जाते हैं तो ये जो जिले के और इधर के लोकल कप हैं उनमें आपकी क्या पोजीशन आती है कोई हिसाब? तो पहले लाली भाई जो है ना वो हमसे जिले में जहाँ जहाँ पे टूर्नामेंट है वो हमसे एक पॉइंट यानी कि है यानी कि आगे, वो अगर फर्स्ट हैं तो हम यानी कि सेकंड है, बाकी यानी कि टूर्नामेंटों में हमारी हर जगह पे पोजीशन है मुस्तहकम है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा वापस आते हैं उधर ही कबूतरों की तरफ हम बात कर रहे थे। अब ये माशाल्लाह ये किस नस्ल से बैठा होगा? प्योर टेडी कबूतर। तो अब ये टेडी कबूतर इस वक्त बैठा है 5:30-50 बता के गया ना। हाँ जी। तो माशाल्लाह 5:30-50 का छोटा टाइम नहीं है। हाँ जी। और ये मसलसल 4 बजे के पार ही यानी के आ रहा है हमेशा। जो कबूतर देखेंगे ना पहले दिन से लेकर आज तक जो कबूतर जिस टाइम पे बैठा है 2-4 मिनट आगे भी पीछे हो सकता है, ये नहीं आज 5 बजे बैठा है कल वो 9 बजे यानी के बैठ गया, जो 7 बजे बैठा वो 6 बजे बैठा अगले स्टेप पे वो फिर जाएगा वहाँ पे 7 बजे। सही हो गया। तो यानी कि आपके कहने का मकसद है कि कबूतर को उस्ताद ने उड़ाना? बिल्कुल। जो और जो किसी भी नस्ल से हो उस्तादी है क्या है? उस्तादी ये तो नहीं ना कि आप नीचे भी आए बैठे हुए हैं आपके कबूतर सारे आए हैं सामने तो वो रात ही यानी कि बढ़ सके, इसका मतलब है कि आपको उनके ऊपर अबूर हासिल नहीं है। जिनको अबूर हासिल है ना वो चाहे 3200, 3600, 3800 खास तौर पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे दूसरे कबूतरों की मुदाहलत नहीं है। हमारे अंदरून लाहौर में ऐसी प्रॉब्लम है कि कबूतर किसी के शाम को उड़ के किसी के यानी कि 4-4 बजे वो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डेरेदारी वाली कबूतरबाजी है तो आप कबूतर आपने 1.5 महीने से 2 महीने से बैठे हुए हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं पहले दिन कबूतरबाजी के लिए, तो आपको फिर पता होना चाहिए यार बत्ती भी आएगा, आंधी भी आएगी, चंद्रा भी यानी कि पड़ेगा, 48 भी आएगी, 48 भी आएगी, फिर वो कबूतर और मालक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सही। हाँ जी। जब दोनों के दरमियान में जब तक वो केमिस्ट्री नहीं बनेगी हाँ जी तो काम नहीं चलेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल सही हो गया सर जी। अच्छा एक और चीज़ कि आप कह रहे हैं कि टेडी होने चाहिए या इमाम दीन होने चाहिए? जो बाकी जो मुझे मैं लाइक करता हूँ उड़ाने में। हाँ जी, जो मैं वैसे आप क्या समझते हैं कि इसके अलावा जो ब्रीड्स चल रही हैं आजकल पाकिस्तान में? हाँ जी। सियालकोटियों में दूसरी ब्रीड्स हैं, हमारे कसूरियों में और ब्रीड्स हैं, कमग्गर हो गए, दूसरे चीने हो गए, सेबे वाले कबूतरबाजी जो सीखी है वो सियालकोटियों से सीखी है। सियालकोटी भी माशाल्लाह हिस्ट्री शीट कबूतर है। कबूतर बुरा कोई नहीं है शाह जी, जब मैंने मैटर किया ना उस वक्त यानी कि शॉर्ट हैंड होती थी टाइप। हाँ। मेरे बाप ने कहा आप टाइप सीखो यानी कि शॉर्ट हैंड सीखो, ये आपको ऑफिस के लिए काम आएगी। अब वो कहाँ पे है? कहीं भी नहीं, उसकी आप तलीम ही नहीं। उसके बाद टाइप राइटर आया वो गायब हो गया। हाँ जी। तो आपको दुनिया के साथ यानी कि चलना पड़ेगा। मैं वो बात कर रहा हूँ जो मौजूदा दौर की है। सही। हाँ जी। अगर आप MSc के यानी कि हैं स्टूडेंट तो मुझे 9वीं की यानी कि बात करें, 9वीं के क्वेश्चन मुझे नहीं यानी कि आते, मुझे आते हैं जो MSc में पढ़ रहा हूँ मैं उसकी मैं अपने तजर्बे के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं शौकीनों के लिए वो पैगाम यानी कि दे रहा हूँ जो उनके लिए जो मैं बात आज कह रहा हूँ वो उनको 10 साल बाद पता चल रही थी ना, वो आज मैंने उनको शो कर दी। सही। तो ये इमाम दीन कबूतर मिलते कहाँ से हैं लोगों को? तो लोग तो ढूंढते रह जाएंगे। इसका मतलब आप कह रहे हैं फिर कबूतर खुटे तोड़ दें अपने? नहीं तोड़ने ये इमाम दीन कबूतर हमारे लाहौर में मेयर साहब थे, मेयर साहब उनके पास माशाल्लाह ये इमाम दीन कबूतर टेडी कबूतर हमने उन्हीं से ही यानी के लिए। सही। मैंने मेयर साहब से कबूतर खरीदे डायरेक्टली यानी के खरीदे क्योंकि मुझे पूरे पाकिस्तान में मैंने उन्हीं के कबूतर चॉइस किए और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी मैं यानी के गया हूँ जहाँ पे भी मैं यानी के बैठा हूँ मेरा रिजल्ट 100 यानी के आया, 100% आया इन कबूतरों की वजह से। कभी नहीं हुआ कि मैं 50 पे खेल रहा हूँ, 60 पे खेल रहा हूँ, 70 पे खेल रहा हूँ,
मैं 90-100 के दिन में खेला हूँ। इसका मतलब है कि अगर आप टैडियो में भी कहें तो कैटेगरी वाइज आप मेयर साहब के कबूतरों को जो है मैं वो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और वो आप कहते हैं पहले नंबर पे वो कबूतर। तो इनमें क्या फर्क आपको क्या नजर आता है तीनों में? फर्क ये था कि जब हम कबूतरबाजी का शो करते थे, अच्छा जब हम शुरू में कबूतरबाजी का शो करते थे तो हमारे जो मेयर अफसर साहब हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, हमारे मामलेदार हैं। हम दूसरे कबूतरों का शो करते थे, हम बड़ी सारा साल मेहनत करते थे। जब हमारी बाजियाँ आती थी 9-10-11 बजे हमारे कबूतर बैठ जाते थे तो मेयर साहब का 3-4 बजे पहला कबूतर यानी कि बैठा होता था। हमने पिक किया कि यार हम भी कबूतर रखे हुए हैं, हम भी उड़ा रहे हैं, ये कौन से हैं कबूतर। मैंने फौरी वो कबूतरों को स्टडी किया, मैंने देखा उनका जिस्म, उनका हड्डी जोड़, एक दो कबूतर तो ले आएगा भाई अगर पड़े होंगे, जमीन आसमान का फर्क, एक दो कबूतर तो ले आप करें आवाज वाले, जमीन आसमान का, जमीन आसमान का मैंने जब वो फर्क यानी कि किया यानी कि महसूस, तो मैंने उसी दिन से फैसला कर लिया कि आप इस खुडे में टैडी और अमाम दिन ही यानी कि दाना करके तीसरा कबूतर निकालें। उस दिन से लेके आज तक मैं दोनों परिंदों में खेल रहा हूँ, उन दोनों में खेलते हैं। बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पर आज जो कबूतर हैं ये आप घर से बच्चे लाए कि यहाँ पे ब्रीड हुई है? टोटल मेरे घर के जो बच्चे थे वो 2000 यानी कि ना मैंने 6 को बादशाह को यानी के दिए कबूतर, यहाँ पे मैंने तकरीबन 100 जोड़ा यानी के बनाया। अच्छा हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा भी जहाँ पे आप बैठे हैं यहाँ से 100-100 मील दूर इन कबूतरों का नाम है। बिल्कुल सही हो गया। इंशाल्लाह ताला इन कबूतरों का हर बंदा इनको अच्छी नगाह से और शौकीनी के लिहाज से और दर्ज की निगाह से जल्द देखता है इन कबूतरों को। बिल्कुल ऐसी है। हाँ जी ठीक हो गया। तो अभी वो दोनों दो कबूतर लेने गए हुए, मैंने उन्हें कहा आप अगर उनको जरा सजेस्ट कर दें कि इन दोनों ब्रीड्स में से अगर यहाँ पे कोई मौजूद हो तो जरा इन्हें सजेस्ट कर दें कि ये ले आए वो वाले कबूतर, ये मियाँ से पीछे खड़े तो इमाम दिन या कोई नहीं है? इमाम दिन भी है। हाँ, एक आता वो भी मंगवाना ताकि लोगों को दिखा दें। यहाँ पे उस्ताद अक्की है मौजूद, ये दो कबूतर यानी कि क्यों ना, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा, ये मेरे साथ चलेंगे। बिल्कुल सही है सर जी। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि उस्ताद अक्की तक ना पहुँचना बड़ा मुश्किल काम है। वो पता क्या है शाह जी, मैं थोड़ा सा ना अकेला रहना जरा यानी कि करता हूँ यानी कि पसंद। हाँ जी, कबूतरबाज मेरी जिगर जान है, मेरे यानी के भाई हैं, मुझे उनसे मिलकर खुशी होती है। लेकिन ये जो तलीम है ना, कोई भी तलीम हो जहाँ पे आपने जाना है, आपको अकेला पाना आपको लेना यानी के पड़ेगा, दुनियादारी से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। बिल्कुल लोगों की बातों से आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं ना करेंगे तो वो तीसरी चौथी पाँचवीं बातें आपके जहन में यानी के घूमती रहे। बिल्कुल सही। अच्छा उस्ताद जी, एक चीज़ ये कि जैसे आपने कहा टैडी इमाम दीन कबूतर, अब क्योंकि आपने सजेस्ट कर दिया और आपका एक नाम है एक पाकिस्तान के जो लाहौर की उन शख्सियात में से जिन्होंने बाहर निकल के लाहौर के नाम को प्रूव किया, उनमें से आपका एक नाम है, अहम नाम है जी। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने तो वो कबूतर कह दिए कि जी ये दो कबूतर जो मेरे पसंदीदा हैं, और जब आपके पसंदीदा हो गए तो ऑब्वियसली जो लोग देख रहे हैं दुनिया के भी वहाँ पे पसंदीदा ये हो जाएंगे जी जी इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। तो फिर लेकिन जिनके पास होंगे उन्होंने आपकी बात सुन के इनका रेट वो बता देना कि एक आम कबूतर परवर इनको हासिल नहीं कर सकेगा। देखिए जी, मैंने सीखा ना ये कबूतरों से, मैंने यानी कि ऐसे सीखा, मैंने दड़बी से भी कबूतर लिया 200 का, 300 का, 500 का, 1000 रुपये का। जब वो कबूतर दर्दी में पड़ा 500 रुपये का, जब उस्ताद अकरम अक्की ने पकड़ा तो वो 2 लाख रुपये। वो फ़र्क क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने असातिज़ा से, अच्छे दोस्तों से, मैंने हरीफों से भी यानी कि सीखा, मैंने इतने से बाल से भी सीखा, और 1 रुपये में से 15 आने मैंने परिंदे से यानी कि देख लेना वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं, क्योंकि डिवाइस बहुत गर्म हो गई है। मैंने कहा अगर वो क्लियर आ रही है तो फिर हम कबूतर का शौक करें, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो में करवा देंगे। नहीं करवाते हैं, मैं क्या पहले चेक कर लें कि वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही, ताकि वो फिर अगर ब्लर हो रही है ना तो फिर रिकॉर्डेड बना लेंगे तो साफ तो जाए कबूतर, क्लियर तो जाए। ये ऐसा करते हैं, ऐसे भी बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको
रिकॉर्ड भी कर लेंगे। तो मैं आपके पीछे आ जाता हूँ ताकि कबूतर दिखाने में आसानी रहे। एक ऐसे करके आप ज़रा कबूतर जैसे नॉर्मली दिखाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये ज़रा बताइएगा कौन सा कबूतर है। कैडी का कबूतर है जी। ठीक हो। हाँ जी, आँख वगैरह दिखाएंगे इसकी। ये जो कबूतर है ना, यानी कि इसका कामरान नीचे थोड़ा सा रखे इसके। ये कामरान तकरीबन ना 2000 की दहाई से ये इनका जो बड़ा था ना, यानी कि बड़ा कबूतर वो मैरों वाला था, कबूतर था उन्हीं में से। हाँ जी, ये मैरों वाला कबूतर। अब ये इसमें जो है सफ़ेद आँख है पीछे बेस, और ऊपर गुलाबी इसके ज़र्रात हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पीछे इसके सुरमई रंग आ गया। हाँ जी। अब इनमें ये बोस की आंखों में भी कबूतर आते हैं। वो जब ये आपस में दूसरी दफा यानी करते हैं टच, तो फिर इनकी आंखें लंबी लंबी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक होगा। वैसे ये परफेक्ट इसका जो है ना। हाँ जी, इसका जो नोक पलक आंख और जो इसका यानी कलर है, ये लुए आप यानी देख रहे हैं, ये ब्रीडर कबूतर की यानी निशानी। ब्रीडर कबूतर की। हाँ, ये ब्रीडर, ये ब्रीडर बच्चे को ही आती हैं। मैंने क्या थी, ये कबूतर मैंने, मेरे पास अभी 5-6 मेहमान थे बैठे हुए, मैंने दिए यानी कि टिप्स दिए हैं। उन्होंने कहा साजी को कबूतर हमने कोई लेना हो, हम शौकीन है। मैंने कहा बेटा ये जो लूए ना, जिस कबूतर को आए वो सुरखा भी हो वो आप पकड़ लें, वो इंशाल्लाह ताला ब्रीड के हो जाऊंगा। अच्छा, इसका जरा पर भी दिखाएं जरा, ये परों के भी कलर चेक करें थे जी, और ये परों की शेप भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। ये पर आ रहे हैं इसके अभी। हाँ जी, तो ये इसलिए यहाँ पे गैप आपको नजर आ रहा हो। हाँ जी, बहुत जबरदस्त। सलवार कमीज या पैंट शर्ट पहनने से इंसान की शख्सियत नहीं जाने के बदलती। सही। उसकी जो शख्सियत है ना, उसका चेहरा है, अखलाक है, जबान है, इसकी जो शख्सियत है ना वो ये है। सही। हाँ, दिखा दें, दिखा दें, बेहतर है। हाँ जी, मुनसिफ साहब कहाँ गए? ठीक हो गया जी, ये मोरे आ गए जी सब। उस्ताद मिठू लाली साहब आप भी देख लें। ठीक हो, ये भी घर का कबूतर है। ये सारे कबूतर घर का करते हैं जी। 5.5। सही। वहाब शाह की छत पे बाहर का एक कबूतर नहीं है। सही। ना वो लाइक करता है। ठीक हो। हाँ जी, अब ये दूसरा कबूतर दिखाएं उस्ताद जी को। केड़े नंबर? नवा पठा 10 नंबर। 86-87 लिया फड़ के भाई भाई देखो। 86 इधर मैं 86। ये जी ठीक हो गया माशाल्लाह। शाह जी, इसके खानदान में मोर है। मोर, मोर है। अल्लाह ताला ने इसके खून में ऐसी यानी कि ना ताकत दी, यानी कि दी हुई है कि इसका जो पट्टी पट्टा भी बच के आगे आया ना, उसने मोर खाई है और हरीफ को टफ टाइम दिया। ठीक है। हाँ जी, रॉयल टेडी आपको देख रहे हैं। वो मेरे भाई हैं जनाब, इमरान भाई। इमरान भाई, अस्सलामु अलैकुम। तो अब इसको भी ज़रा शौक कराएं, प्रॉपर ज़रा आँख दिखाएं, और ये भी बताएगा ये भी उन्हीं कबूतर। हाँ जी, मैं यानी कि बिल्कुल वही कबूतर है, लेकिन इनको रिफाइन मैंने किया, कलर इनका जो चेंज। हाँ, ये सेम टू सेम वही का यानी कि का कलर है, सिर्फ इनका जो ना ये वाली चीज़ें, ये हम यानी कि हर साल बदलते यानी कि रहते। ठीक है। इनमें ताकत यानी कि ना कोई डालते रहते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा पर है माशा। हाँ जी, ठीक हो गया। ताकत डालने से मुराद के ब्लड आप चेंज करते हैं? ये इन ब्रीड नहीं। हाँ हाँ, हम नहीं होने देते हैं। हम ना जोड़े के दो बच्चे लेकर उसको फारग कर देते हैं। ठीक हो गया। हाँ जी, अमाम दिन जाना है। अरे यह कबूतर ये वापस ले जाओ, खराब हो लाल खा लियो। नौ साल कबूतर माशाल्लाह, ये भी जो पहला कबूतर। हाँ जी, ये वो ही सारा यानी के खानदान है, नानका और दादका इनका एक ही है। सही हो गया। हाँ जी, ये चीज़ें आप शो कर लें। बिल्कुल सही। हाँ जी,
आंखें इसकी चांदी अखी चांदी अखा सा लग रहा है बड़ा सर। टैडी जो है ना इनकी तकरीबन बहुत सारे यानी के कलर हैं, लेकिन टैडियों में ये रॉयल कलर है, ये वी और ये मोर कलर, और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं इसकी शेड आप देखें जैसे मोर नहीं यानी के चमकता सही। ये टेम्परेचर वाले कबूतर हैं जिसको ये शेडें आए ना वो हम गर्मी के लिए यानी कि चॉइस करते हैं। हाँ जी बिल्कुल जबरदस्त बेहतरीन हो रहा क्या बात उसका बाप जो अब बैठा जी जो बैठा उसका बाप ये देखें ये दूसरे भाई को पकड़ा दो ये जी बिल्कुल खालस तरीन कबूतर है। अगर शायकीन ने कोई सीखनी है ना बात तो इससे यानी के लें क्या कबूतर है ये बता दें टैडी कबूतर है प्योर टैडी कबूतर सही हो गया। ये देख इसकी एज कितनी होगी सर ये तकरीबन को 12-13 साल का है तो अभी इसका बच्चा बैठा है ये जो बैठा ना पट्ठा वो इसका बच्चा शान असद किधर है जो मेरो वाली प्योरिटी आंखें हो से जो पुरानी जब बहुत इनकी आंखें ये सही ये आपके लिए यानी कि टिप्स है ठीक है ये जब पुराने होंगे तो फिरोजपुरी टाइप हो जाएंगे बिल्कुल सही है जबरदस्त ये बादशाह की यानी कि जान है ये कबूतर हाँ जी ये बादशाह ने बड़ी मोहब्बत से बड़े उसने भी इन कबूतरों को रिफाइन किया है। हाँ जी ये मुझे दिखाइए ये जरा मुझे दिखाइए देखो साहब जी ऐसा बच्चा उड़ रहा है इसका बच्चा उड़ रहा है। हाँ जी ये सामने ऐसा पुत्र भी उड़ रहा है ऐसा होने बैठ बैठा है जेड़ा पन्नो वो ही ला लेगा जी ये भी गाती है ये चीज आप फॉलो करें इनमें मैं देख रहा हूँ हाँ ये मैंने नोट ये देखें आप हाँ जी ब्रीडर भी और ये भी हो चीज बहुत अलग कलर भी इसका मैं देख रहा हूँ हर चीज हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहुत अलग। अच्छा ये कबूतर उड़ रहे हैं इसका कबूतर उड़ रहे हैं हाँ जी हाँ जी ये लोग कहते हैं ना कि ये प्योरिटी में नहीं उड़ते नहीं जी क्यों नहीं जाने के प्योरिटी में कबूतर उसमें आएगा ब्रीड में ये टैडी कबूतर है जी ये टैडी ये भी टैडी कबूतर है पर ये भी उनके घरों के टैडी में से ही है हाँ जी ये वही इनके हाँ जी ये वही ब्रीड है देखे ना ये इनके आप पल्ले देखें ये नस्ल वाइज यानी के देखें ये शेप यानी के चेक करें आप लोगों के पास ये है ना ये इतना बड़ा हो गया वहीं से काम खराब हो गया बस उन कबूतरों को कोई पता नहीं घर पे बैठना है या नहीं बैठना हम आम दिन जिनके काम था अच्छा ये इमामदीन है हाँ जी प्योर इमामदीन है ये कमगर भी आप इसे क्या क्या कह सकते बहुत ही आला आउट क्लास वाइटनेस दे दे मैं वही देख रहा हूँ बहुत जबरदस्त हाँ जी चोंच पीस हाँ जी नोक निकोड़ा हर चीज हाँ जी एक चीज तो मैं भी सोचता हूँ और मैं मानता हूँ कि कबूतर परवाजी भी हो तो लेकिन सोना भी हो हाँ देखिए जी खूबसूरत होना जरूर ब्रीडर का मकसद है खूबसूरत नहीं शौक का मकसद है खूबसूरत चले ऐसे क्या ब्रीड तो ऑब्वियसली वो लोग फिर कहते हैं ना जी हमने इसमें ये भी डाल दिया वो भी डाल दिया हाँ जी ये देख लें शौक का मतलब है खूबसूरती हाँ जी 40,000 का घोड़ा भी था वही 4,00,000 का भी बंदे ने हाँ जी ऐसा ही शौक अच्छा बिल्कुल क्या बात है
बहुत अला। नॉर्मली अभी ये जो कलर है ये कमगर कलर कहलाता है। हाँ जी, ये कमगर कलर है। हम टैडियों भी में भी ये टच करते हैं। ये जी इमाम दीन कबूतर है। ठीक हो ले जी, इमाम दीन कबूतर देखें पहले तो पूरा कलर जरा दिखा दें एक दफा जरा। माशाल्लाह बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाएं जरा इसकी। और ठीक हो गया बहुत अलग माशाल्लाह। अब इस कलर को हम जीरा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वो इमाम दीन ने जो जीरा ना यानी के ना निकाले। हाँ जी, लेकिन जीरा बेकार तो नहीं होता ना जी? ना, असल जो बेस है कमगर और इमाम दीनों की वो जीरा ही है। पुराने जो काले जीरे आगे आगे आंखों के आगे जो भी है ना यानी के सिस्टम वो दुकानदार ही है। अच्छा, जो भी जो बेस है ना वो ये कलर है। सही हो गया। आप इसका यानी के बेटा सामने है सारा दिन आप ही रहे हैं। ये 2 बजे का यानी के सामने यानी के गया हुआ ये जो आ रहा है नहीं, इससे ऊपर नीचे था वो चला गया यानी के ये आ रहा है ये वाला वो दूसरी तार पे वो है भाई अच्छा ठीक है वो जो नीचे था। हाँ सही हाँ बिल्कुल आया था नीचे आके जो आप कह रहे थे डब्बा आ गया। हाँ जी, ये अभी आप जो कह रहे थे ये उसका यानी के बाप है इमाम। सही, लेकिन आपने जो कबूतर देखे हैं हमने यानी के लाइव आपको यानी के दिखा भी दिए। क्या बात है। ये लीजिए ये कबूतर पकड़े हम जरा उस्ताद जी के सामने। अब आ जाए जरा। किसी भी ब्रीड को मेंटेन करने के लिए किस चीज का होना जरूरी है? इल्म तो ऑब्वियसली होता है ना, इल्म फैलाने से बनेगा। आप किसी के पास इल्म होगा तो रखें। क्या चीज ऐसी होनी चाहिए कि वो ब्रीड को मेंटेन कर सके? मेरे पास मैरों वाले कबूतर पड़े हैं लेकिन मुझे किसी और के मैरों वाले अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं उन्हें मेंटेन कैसे करूं? फिर आप दुनिया में उस बरादरी के बेशुमार कबूतर फैले हुए हैं, उस नस्ल में अगर उस कबूतर में कोई मादी बाहर वाली जानके गई है ना कहते हैं ना, आप उसमें से कोई ला के कबूतर टच कर सकते हो, लेकिन आपने लाना उसी खून का है जानके कबूतर। कैटेगरी में अगर अच्छा ना मिले फिर क्या करें बंदा? ढूंढे आप। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं मिल रहा मैं कहता हूँ कि अल्लाह का जो है ना यानी के निजाम, ऐसी तो बात ही नहीं है कि जो अल्लाह ताला ने मादी पैदा की उसके लिए नर नहीं है। ये तो हमारा ईमान भी होना चाहिए ना, जो मादा है ना उसके लिए नर भी है। ये तो वो ढूंढे वो घर में यानी के बैठ के या लोगों के पास मांगने से नहीं मिलेगा, उसके लिए पॉकेट और दिल का होना बहुत ज्यादा यानी के जरूरी है। उसके लिए पॉकेट और दिल और आंख। हाँ, जिससे आपको समझ भी आ रहा है कि मैं जो चीज जो पैसे लगा रहा हूँ जाया नहीं जा रहे। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी दना के पास बैठे उसे सीखे। देखे जी, हमने पहले सीखी है, पहले सीखी है फिर निकले हैं, फिर ये कबूतर इकट्ठे किए हैं। हाँ, हमें तुक्के नहीं लगे। ना ना ना, ब्लाइंड तो कबूतर नहीं होता। जिसकी माँ बाप का आपको पता नहीं वो ब्लाइंड है, वो या 100 है या 0 है। तो कबूतरबाजी में अब 0, 10, 20, 30, 50, 60 ट्रेंड खत्म हो गया। ये ट्रेंड खत्म है। चांस नहीं है। 199 में खेलना है। हाँ, अगर वो नहीं है तो फिर आप ना खेलें। रिजल्टेड आप जिस कबूतर को आप ले रहे हैं उसकी माँ बाप का, उसके शिजरा नसब का आपको पता होना चाहिए। उसको लेके आएंगे तो आपके जो कुडे में ना रिजल्ट देने चाहिए। सही। पानी कहाँ गया? पानी पड़ा हुआ। अच्छा उस्ताद जी, एक सवाल है कि अभी पर देख रहे थे हम। हाँ जी, हाँ जी। अक्सर लोग बहुत अहमियत देते हैं 8वां 9वां 10वां। मैं जी इस तो अगे नहीं वेखदा। मैं जी 8वीं 9वीं 10वीं बड़ी अहमियत देता। कोई कहता है जी मेरी कबूतरबाजी इन 3 परों में है, कोई कहता है इससे आगे के परों का कोई किरदार नहीं है, यही 3। आपका क्या मानना है? हम सारे यानी के बंदे बैठे हुए हैं, उंगली सबकी एक जैसी है, किसी की बड़ी साइज की है, किसी छोटी साइज है, नीचे साइज की है। हाँ जी, ये कॉमन तो कोई ना होगा। इनसे हम इंसान का हिसाब नहीं यानी के लगा सकते। आपने अच्छा। कबूतरबाजी करनी है नस्ल और खून पे। ये सब चीजें जो है ना
मदारी है ना मदारी, वो जब खड़ा होता ना अकेला तो किसको नहीं पता ये कौन है। वो थैले में से डुग डुगी यानी कि ले लेता है, डुग 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 बजाने शुरू करता है, 2, 5, 10, 50, 100 ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। ये सारी जो परों की ऐसे वैसे ये डुग डुगी हैं, शौकीनों के लिए डिफिकल्ट पैदा करना कि हमको ये पता है तो ये। मेरा दोस्तों के लिए जो इस शौक में यानी कि पसंद करते हैं या इसको करना चाहते हैं, मेरा उनसे यही एक यानी कि है जो मैं बड़े होने के नाते उनको दे सकता हूँ, ब्लड पे नस्ल पे यानी कि खेलें, परों पे मत जाएं। जिसका ब्लड अच्छा है नस्ल अच्छी है उसके पर भी अच्छे हैं जोड़ भी अच्छा है, ब्लडर नस्ल अच्छी बिल्कुल सही है। उसका खानदानी अच्छा नहीं है, हम हड्डी लेके बैठे हैं जी, इसकी हड्डी देखो इतनी लंबी बिल्कुल सही, जो चार उंगलियों पे हड्डी पूरी उतरती ना, हमने उस उनको शाम पे शाम तक ही जान के बैठते थे। बिल्कुल सही हो, जो बड़ी हड्डी हैं वो भी शाम तक बैठती हैं, लेकिन कबूतर का नस्ल नस्लदार होना वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल अच्छा, मैं साथ साथ जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है तो ये मुनसिफ साहब आ चुके हैं उस्ताद मिठू लाली साहब की तरफ से, जफर अब्बास साहब, तो इसका मतलब उनके कबूतर सारे बैठ गए और आपके कबूतर अभी नज़दीक आ चुके हैं, तो आज के लिए तो माशाल्लाह आपको कॉन्ग्रेचुलेशन जी, बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये अभी तक की आपकी कौन सी बाजी है जो उनसे आपने पकड़ी? आज तीसरी हो गई, यानी कि 2-3 पर आ गया फैसला, अभी बहुत अच्छी फाइट चल रही है आप। हाँ जी, वो भी अच्छा खिलाड़ी है जी। हाँ, हरीफ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, स्ट्रॉन्ग चाहता है। हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि आगे जो अब जाना है, ये तो टूर्नामेंट तो रह गए 2 दिन के, तो टूर्नामेंट का एक जो अच्छा खिलाड़ी है वो टूर्नामेंट की तरफ इतना ध्यान नहीं रखता, मैंने उसकी अंदाजा लगाया, उसका ख्याल और ध्यान जो है ना बाजियों की तरफ होता है। कबूतरबाजी में मेरी नसीहत है ना आपने टूर्नामेंट देखना ना आपने बाजियां देखनी, आपने अपने खुडे को जाने के यानी कि देखना, अपने परिंदों को जाने के देखना। सही, जो टूर्नामेंट देखना जाता है बाजी देखने जाता ना वो गवा जाता है। अच्छा, जिसने अपने खुडे को फॉलो करना, अपने कबूतर को फॉलो करना ना, अगले दिन उसने कॉम्पिटिशन करना। बहुत जबरदस्त बात है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं उस्ताद मतलब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो चूंकि रबवा में है तो मेरा ख्याल है इतना बहुत है, तो हम जब वहाँ आएंगे तो प्रॉपर आपके, मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा हम आपके ऊपर जो आपके दिल वाले कबूतर हैं घर में, मैं आपको साथ वाली सीट पे बिठा कर ताकि वो कबूतर मेरे हाथ में और उसमें से सवाल निकलते जाएं और मैं आपके सामने रखता जाऊँ, तो वो उसका मजा जरा और आएगा। अभी चूंकि आप लोग भी थके हुए, हम भी थके हुए, माशाल्लाह अल्लाह पाक इसी तरह आपको कामयाबियाँ दे जी, और अगले जो आ रही हैं बाजियां और आपके जो टूर्नामेंट के डेज हैं, मैं उनके लिए आप तमाम लोगों को, आपकी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कीमती वक्त का। मियां साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें, ये साथ साथ आपके भाई आए हुए हैं जी, ये वजीराबाद से बड़े भाई हैं, ये उनके दोस्त हैं, ये दोस्त हैं, ये जी सारे आए हुए हैं उस्ताद अकरम मक्की साहब का शौक देखने। हाँ जी पहचान लो भाई जन, सारे सारे पहचान लो, ये वही बाबर है, ये उस वक्त इन्होंने जो है ना मुझे लगता है उस्ताद मोहतरम से ना झिड़के खाई हुई थी। असल में बाबर भाई की जो बात थी मोर वाली वो बहुत अच्छी बात थी, उसूलन ठीक था, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि उनके बोलने का तरीका कार ऐसा है, इनका तेज है, इनका हाँ दिल का भाई अच्छा, लंबा है 10वां कुंदा लंबा हो गया। हाँ नहीं नहीं ठीक है, वैसे मैं ताकि हो जाए क्लियर हो जाए, ये जफर अब्बास साहब हैं जी, बहुत अच्छा बंदा, बड़ा कोऑपरेटिव आदमी, वहाँ पे मजाक हंसी मजाक के साथ बैठा है, एंटरटेन करता रहा और कबूतर भी इसकी नजर भी पूरी रही है। सर हमने सेलेक्ट किया वो बंदा, हमने उनकी छत पे भेजा, वो भी हमारे भाई हैं, हम उन्हें किस नहीं टेंशन कुछ नहीं और बड़ा मजा आया इनके साथ, बहुत अच्छा लगा। खत्म हो जानी उसके बाद हमारा उनसे प्यार भी है। हाँ तो इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाजत, लेकिन मैं असद से कहूंगा, असद साहब जरा ऊपर ले जाके ना एक दफा छत का राउंड मार दो, चीजा वेख के ना साडे कोल आ जांदे ने। जर्मन यानी कि शॉर्ट ऐसा।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਨਿੱਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਣੇ ਖਬਰ आफ्ताब ये इंग्लिश इकबाल ने यानी कि कहा था ना कि ये जो कुत्ते हैं सिर्फ बादशाह के पास है पप्पू के पास ये वो है अच्छा जो तो भाईजन ये जरा ये चार्जिंग अपने हाथ में पकड़ लें जी जी दोनों ऊपर जरा उस्ताद मोहतरम तुसी भी चले जाओ जरा आओ जी लाना तेरी जिंदगी लाइव चला गया शान ने हंसते पुत्री कबूतर का कैमरा लाइन तो किन्ने घंटे चले आ गए किन्ना दे बना ए आखरी 8 बजे तक बैठ गए ए तीन जेड़े ने ए भी जीत के बैठे आन दो इकट्ठे आन दो ये इनकी छत है जी सैयद वाह शाह की छत चाची और बना ली मूवी आज जफर भाई और शान इधर काम लगा रहे क्यों ये इधर इन पे तरह लगाएंगे भाई लगाए तो ये बाजी वाले कबूतर हैं जो आज ये इनके उड़े रेस्ट 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 पे हैं ये इनके तीन कबूतर जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं पता नहीं टाइम कितना हो गया जी कोई 6 बजे के पास पास है पूछो बस पूछो ना वो ये जी इनकी मादी है प्यार वाली कोई तुसी उड़वाओगे बस यही है जी ये हैं जी इनकी प्यार वाली मादियाँ कौन सी जी नागे वाली हैं जी आज जी इनको छुट्टी दी गई अगर काम होने की सूरत में इनमें से डाला जाएगा सही सही ठीक है ना भाई जी ने तो चाहते हो अरे बड़ा छड़ चीता जी भाई मलिक साहब चलो सही जाना तो कबूतर पुत्र मलिक साहब बाहर कढो ना ए ना दरवाजा बंद कर लो अब ये बाजी वाले भी कबूतर ने और नागे वाले भी बाजी वाले भी हैं ये कबूतर हैं जिनके बाजी वाले और नागे वाले नीला भी है जी ये बैठ गई चाची ये आके अभी माता बैठी है जी ये एक कबूतर भी आके बैठा है नर आके बैठा जी अभी तीसरी बाजी बैठा है तीसरी बाजी बैठा है जी 7-11 पे चौथी बाजी बैठा है 6-16 पे आज इंशाल्लाह जी बैठ गया कितने बजे भाई बैठा है ये अभी बैठा है 6 बजे 6:30 हो गए बैठ के तीनों परवा दे स्क्रीन खाली ठीक ठीक पूछ लो फिनिश कर दें बेबी हुई हां जी लगे चलो बना के ये भी दिखा दूंगा ऐसे ही बस व्यू ओए ये भी इनके कबूतर हैं जी शान पूछो ना कि बस उन्होंने तो नहीं कहना बस बस ठीक है भैया ठीक है लगा दें हाँ फिनिश कर दें उनको बस हैं